हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज सुरभि एंड कैसे हो आप सब लोग। सो अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलना, बिकॉज बहुत मेहनत भी लग रही है वीडियोस बनाने में एंड थोड़े बहुत एंटरटेनिंग वीडियोस भी मैं ला रही हूँ ये चैनल पे। और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस आने वाले हैं तो वो थोड़े से बाद में आएंगे, बिकॉज पिछले दो दिन में मैं थोड़ी सी बीमार थी। एंड अभी हम बढ़ते हैं हमारी वीडियो की तरफ। सो आज का वीडियो मेरे दिल के बहुत करीब होने वाला है, बिकॉज आपको तो टाइटल से पता चल ही गया होगा कि मैं आज के वीडियो में दीपिका पडुकोन का लुक है वो रिक्रिएट करने वाली हूँ। तो रिक्रिएट मतलब कि जिस तरह से वो अपने रियल लाइफ में दिखती है, जिस तरह से वो प्रेजेंट होती है, जिस तरह से वो अपने आप को प्रेजेंट करती है इन फ्रंट ऑफ कैमरा, जिस तरह से वो अपने बाल बनाती है, ड्रेसिंग करती है, मेकअप करती है, एवरीथिंग। सो आई रिलेट टू दीपिका पडुकोन वेरी मच ऑफ हर, आई फाउंड ऑफ हर एंड आई जस्ट लव हर स्टाइल, हर एटीट्यूड। सो अगर आपको नहीं पता हो तो मेरा जो चाइल्डहुड का फ़ोटोज़ है, लाइक मेरे जो चाइल्डहुड के फ़ोटोज़ है वो दीपिका के चाइल्डहुड फ़ोटोज से बहुत ज़्यादा मैच करते हैं। सो एज़ यू कैन सी हीयर, दिस इज़ माई चाइल्डहुड फ़ोटो एंड हीयर दिस इज़ दीपिकाज चाइल्डहुड फ़ोटो। इफ़ यू डोंट बिलीव मी यू कैन गो एंड गूगल इट। सो येस, वो मुझे लाइक मैं ऐसी ही चीज़ें करती रहती हूँ, लाइक आई डू फाइंड सम सेलिब्रिटी फेस और सेलिब्रिटी इमेज इन माई सेल्फ, बिकॉज आई लव्स टू डू मेकअप, लाइक टू गेट रेडी टू बी फैशन आइकॉन, लाइक एवरीथिंग। सो येस, मैं ऐसे फ़ोटो ढूंढते ढूंढते मुझे एक दिन मिल गया वो एक लाइक कॉमन इमेज। आई एम नॉट कंपेयरिंग दीपिका विथ माई सेल्फ, नॉट एट ऑल, बट येस आई एम फैन ऑफ हर। सो एज अ फैन आई कैन रिलेट टू हर एंड आई डू वॉन्ट टू बी लाइक हर, सो वाई नॉट। मोस्टली जो टॉप्स टी शर्ट्स वाले जो है वो बहुत ही कॉमन थे जो मेरे पास लकीली है, बट लेट्स जस्ट मूव ऑन टूवर्ड्स अवर फर्स्ट फोटो एंड हियर इज़ द फर्स्ट इमेज दैट आई एम गोइंग टू रिक्रिएट। एंड इसमें शी हैज़ वोन ब्लैक शर्ट विच इज़ वेरी कॉमन, सो लेट्स जस्ट गिव इट अ ट्राई एंड लेट्स सी कि ये इमेज कैसे टर्न आउट होता है। गाइज, सो आई एम रेडी, नो एक्चुअली आई एम नॉट रेडी, मेरा शूट हो गया है एंड दिस इज़ हाउ आई एम लुकिंग राइट नाउ। लाइक मुझे ये एग्जैक्ट नेक पीस मिला, अगेन दिस चैन, दिस इज़ नॉट एक्चुअली अ चैन, ये एक पर्स का जो बोलते हैं हम हैंड बैग का चैन है वो है, एंड ये भी एक चैन है। एंड जो इयर रिंग है दो थे तो उसका मैंने जुगाड़ किया है, सो वन यहाँ पे एंड उसका ही मैंने पेंडेंट बनाया है। सो जो आप फोटो में देखोगे तब आपको समझ आ जाएगा कि ये जुगाड़ किस चीज़ के लिए है। यहाँ पे इयररिंग नहीं है बिकॉज ऑब्वियसली फ़ोटो में एक ही साइड दिखना था, सो सेकेंड साइड इज़ नॉट देयर एंड दिस इज़ हाउ माई एक्सेसरीज लुक्स लाइक एंड इवन आई हैव प्लेन ब्लैक शर्ट। बस उसने जो फिंगर रिंग्स पहने थे गोल्डन, वो वाले मेरे पास नहीं थे एंड इसमें उसने लैशेस पहनी थी, लाइक दीपिका ने इसमें लैशेस पहनी थी, सो आई वोन लैशेस। सो या फोटोज़ मिलने में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी हुई बिकॉज बैकग्राउंड तो प्लेन था, अच्छा था, बट फाइनली शी इज़ दीपिका, सो कंपैरिजन तो नहीं है, बट वो लेवल तक पहुंचना वाज वेरी डिफ़िकल्ट, बट स्टिल आई ट्राइड माय लेवल बेस्ट। सो दीज आर द पिक्चर्स थोड़ा बहुत एडिटिंग करने के बाद, सो आई होप यू लाइक। ओके, सो द थर्ड इमेज जो कि है ये जो मैं रिक्रिएट करने वाली हूँ, तो इसमें दीपिका ने पहना हुआ है एक पिंकिश कुर्ती। जस्ट गो एंड गिव इट अ ट्राई। हाय गाइस, सो आई लव दिस लुक, मीन्स मैंने कभी ये वाला लुक ट्राई नहीं किया था और बहुत अच्छी सनलाइट भी आ रही है, सो बहुत खूबसूरत पिक्चर्स आए हैं। बहुत ज़्यादा मैं रिक्रिएट नहीं कर पाई उसका दीपिका का लुक, बिकॉज जो ज्वेलरी था
वो एग्जैक्ट नहीं था एंड प्लस उसका जो यहाँ पे एक था वो भी मैंने एक इयर रिंग लगा के जुगाड़ करा है. एंड सेकेंड थिंग, आई डोंट हैव सिल्वर रिंग्स, आई हैव ऑल द गोल्डन रिंग्स. अदर देन दैट, लॉन्ग हेयर, पिंक लिप्स एंड पिंक टी शर्ट या फिर कुर्ती जो भी उसने वेयर किया था, बट वो मेरे पास एग्जैक्ट मैच था. जो भी उसने पिंक कुर्ती पहना था एंड बहुत अमेजिंग पिक्चर्स आए हैं. एंड मैंने नेचुरल लाइट में क्लिक किया तो और भी ज़्यादा अच्छे आए, लाइक मुझे पर्सनली बहुत पसंद आए. सो येस, दीज आर द पिक्चर्स विच आई हैव रिक्रिएटेड ऑफ दीपिकाज. उसके अलावा भी मैंने और भी रिक्रिएट किए हैं, वो आपको देखने मिलेंगे मेरे इंस्टाग्राम पे. सो अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते हो, सो प्लीज गो एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम. सो दिस इज माय आईडी राइट हियर. एंड आईब्रोज जो है वो मैंने थोड़े से डार्क किए हैं, बिकॉज आप यहाँ पे देख सकते हो शी हैज़ वेरी डार्क आईब्रोज, जो करने पड़े, बट स्टिल दे आर लुकिंग क्वाइट गुड एंड आई लाइक दिस सनलाइट अ लॉट. ओके, सो लेट्स मूव ऑन टूवर्ड्स नेक्स्ट फोटोग्राफ. ओके, सो द नेक्स्ट फोटो जिसमें दीपिका ने पहना हुआ है वाइट कलर का, वो इतना विजिबल नहीं है इमेज में बिकॉज उसका जो पोस्चर है, लाइक पोज है, वो अलग है एंड उसके ऊपर अगेन वो एक वाइट कुछ ओढ़ के बैठी हुई है. सो अंडरस्टैंड करना इज़ डिफ़िकल्ट कि वॉट शी इज़ एक्चुअली वेयरिंग. ओ येस, जस्ट एंड जो नेकपीस है वो मेरे जो ब्लैक आउटफिट पे मैंने वेयर किया था वही जाने वाला है. सो नॉट मच एफर्ट्स. सो या, लेट्स जस्ट ट्राई इट. द नेक्स्ट फोटो आई थिंक दिस, एंड इसमें आई हैव सेम टी शर्ट, एग्जैक्ट सेम टी शर्ट. येस, जस्ट नॉर्मल टॉप शी इज़ वेयरिंग, नो इयर रिंग्स, नथिंग एक्सेसरीज. सो दैट इज़ अ वेरी नॉर्मल फोटो, बट आई हैड सेम टी शर्ट सो आई चोज दिस पिक्चर. सो येस, लेट्स सी कि ये पिक्चर कैसे टर्न आउट होता है. सो अभी जैसे कि आपने मेरा टी शर्ट देख लिया होगा तो आप लोगों को इसे समझ आया होगा कि मैंने कौन सा फोटो रिक्रिएट किया है. एंड ऑलरेडी हो गया है वो, उसके बाद में बात कर रही हूँ बिकॉज बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी, लाइक बाल खुले छोड़ो फिर इतना बड़ा सा नेक का टी शर्ट पहनो. एंड मुझे लिपस्टिक तो सेम मिल गई, हेयर भी मेरे ऑलमोस्ट थोड़े बहुत कलर्ड है तो वो मैच हो गई. टी शर्ट तो मैच है ही, बस थोड़ा सा मेरा जॉ लाइन की वजह से ख़राब हो गया, बट ठीक है, मैं थोड़ा सा एडिट करूँगी. अगर वो अच्छा टर्न आउट हुआ तो विदाउट एडिट, विद एडिट, नहीं तो विदाउट एडिट. तो यस, ये मेरा फर्स्ट फोटो कंप्लीट हो गया है. सो वो रहा ये, एंड द ओरिजिनल वन भी उसके साइड में रहेगा. एंड येस, सो बाय द वे जो हवा आ रही थी फोटो में, जो बाल उड़ाने थे, ऑल क्रेडिट गोज टू माई मॉम, बिकॉज वो पीछे से हवा डाल रही थी. बहुत फनी था वो, बहुत ज़्यादा, लिटरली 10 टेक्स लिए होंगे, मतलब पूरा हवा डाला पीछे से, बिकॉज फैन नहीं था, फैन चालू था बट वो वाली हवा नहीं आ रही थी जिसमें उसके ऐसे बाल उड़ रहे हैं पूरे. सो वो भी एक फन सीन था. Right, so the next image that I'm going to recreate is this one. So yeah, I'm just so excited to try this one out here and let's see ki ye kaisa dikhta hai. Zyada puri halat ho chuki hai, aap log dekh sakte ho, makeup ki to band baj chuki hai because ye wala photo shoot bahut zyada difficult tha, bahut hi zyada. सो एज यू कैन सी, मैंने ये पिंक साड़ी, पिंक ब्लाउज एंड सम ज्वेलरी जो कि दीपिका ने उसके फोटो में पहनी हुई है, विद गजरा, विंग लाइनर एंड इयर रिंग्स थोड़े बहुत ऊपर नीचे है. अदर देन दैट, साड़ी इज ओके ओके, ईयर नेकलेस ऑल्सो, उसका नेकलेस भी बहुत ज़्यादा अलग था, यूनिक था. ऑब्वियसली वो दीपिका है तो यूनिक ही होगा. मेकअप लुक बहुत सिमिलर था बट फोटो जो टर्न आउट हुए हैं बहुत ही ज़्यादा ओके आए हैं, मीन्स आई एम नॉट वेरी सेटिस्फाइड. बहुत ज़्यादा गर्मी भी लग रही है, मेरे को इतना पसीना आया है, इतने फोटोज़ निकाले हैं, इतने फिर भी वो टू द मार्क नहीं आए हैं.
बहुत ज्यादा मॉम को भी, मॉम की भी हेल्प ली। एंगल्स होते हैं, शोल्डर ना दिखे, ये ना दिखे, वो ना दिखे, तो वो बहुत था डिफिकल्ट। अभी तो मुझे नहाना पड़ेगा, इतना अंदर से पसीना निकल रहा है। सो या फोटोज ओके आए हैं, सो आई एम नॉट वेरी हैप्पी विद दिस फोटोज, बट स्टिल हैव अ लुक एट द पिक्चर्स। सो येस, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो। आई नो आई हैव गेन्ड अ वेट, सो मैं इतना ज़्यादा उसे रिलेट नहीं कर पाई। अगर मैं थोड़ी सी पतली होती तो शायद कर पाती, आई डोंट नो। सो येस, मुझे तो काफ़ी मज़ा आया। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। टिल देन हम मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए। बाय।